एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हमारे शब्दकोश में हमारे नाम में हम करें जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो, क्योंकि आगे पीछे हो जाए अगर शब्द तो इफेक्ट पॉजिटिव के बदली में नेगेटिव आएगा कि नहीं, बराबर है ना। तो शब्दों का इस्तेमाल भी कैसे करना है वो भी एक कला है और उसी कला का नाम है शब्दवाणी। शब्द का इस्तेमाल आप आंखें बंद करके उस शब्द को बोलते हुए देखें। अभी देखिए, हमने आखिर में जाना केतु के तीन शब्द स त र। अब हम स त र इसी मात्रा में एक नाम होता है सत्रह। सत्रह कई प्रांतों में व्यक्ति का भी नाम होता है और सरनेम भी होता है। अब अगर हम आंखें बंद करें, मन को स्थिर करें, सांसों को स्थिर करें और बोले सत्रह, तो ऊर्जा ऊपर जा रही है ना। देखो, कोशिश करो और एक बार, सत्रह, ऊर्जा ऊपर जा रही है ना। लेकिन इसी नाम को घुमा देते हैं, इन्हीं अक्षरों को घुमा देते हैं और सरत कर देते हैं या सतर कर देते हैं या तरस कर देते हैं। कोशिश करिए ऐसे करते हैं। सत्रह का हमने किया है सतर, सत्रह ये लाइन में आ रहा है स तो और र। अभी र को आगे करते हैं और रतस करते हैं या रितेश करते हैं। इसमें भी रितेश में भी देखो र तो श आया ना, या फिर तरस करते हैं। हाँ देखो, करो रितेश, रितेश, ऊर्जा ऊपर आती है फिर नीचे चली जाती है। अब तरस करो, तरस, पूरी ऊर्जा नीचे चली जाती है, तरस पूरी नीचे। तो इस प्रकार से जो प्लेसमेंट ऑफ अल्फाबेट्स है उस पर भी आप ध्यान रखें, उस पर भी आप अपना थोड़ा सा चित रखें। एक और मैं हिंट दूंगा, यदि आपका नाम आर से शुरू होता है, र से, तो काफी लोग जो पुराने नाम लगते हैं, आपने पुराने हिंदुस्तान में कभी ऋतु नाम नहीं देखा होगा, ऋतु देखा होगा एच आर आई टी यू, तो अपने नाम में ह साइलेंट करके आधा ह र के साथ जोड़ दो। ह के साउंड से र से शुरू मत करो, र बीच में आ जाएगा, ह साइलेंट होगा। ह और र के जोड़ से आपकी ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पॉजिटिव सन की ऊर्जा हो जाएगी, फेम, पॉजिटिविटी, पैसे वाली ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन र के आगे ह लगाना है, र के पीछे नहीं, र से शुरुआत नहीं करनी है। राही, इसमें र ह, इसमें र पहले आता है ह पीछे, वैसा नहीं करना है, ह आगे र पीछे। ऋतिक रोशन, दोनों आर आर ही है, ऋतिक में भी आर है, रोशन में भी आर है, लेकिन एच साइलेंट है। हमने कभी नहीं कहा हृदय, हमने कहा हृदय, एच साइलेंट। ऋतु, वर्षा ऋतु आई है, वर्षा ऋतु, एच साइलेंट है। र के आगे ह लगा दे लेकिन र के पीछे ह नहीं। कैसे हम तय करेंगे? बहुत सिंपल है, मंत्रों को देखिए, जो मैंने बताई बात वो देखिए, अनुभव से देखिए, अलग अलग अक्षरों का अलग अलग नाम में आगे लगाने से पीछे लगाने से क्या लाभ होता है, क्या अलाभ होता है, इसको ध्यानपूर्वक देखें, इसको अपना शांत मन से देखें, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करना है। एक तो मंत्रों को देखिए, मंत्र में कैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं, मैंने जो बताया उस पर गौर करिए, अनुभव, और इन तीनों के ऊपर है इंट्यूशन। आंखें बंद करके खुद वो नाम बोलकर देखे, देखिए कहाँ वाइब्रेशंस जा रहे हैं, एनर्जी ऊपर जा रही है कि एनर्जी नीचे जा रही है। जहाँ एनर्जी नीचे जाती है उस नाम को छोड़ दीजिए, उस नाम को इस्तेमाल ना करें। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप।
Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें Astrology TV ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें Astrovani चैनल, Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।